ये वाला व्यू आपको और कहीं नहीं मिलेगा। दिस इज द बैताब वैली। अभी जो हम पहुंचे हैं बैताब वैली, तो यहाँ पे अभी हम एंजॉयमेंट करेंगे जितना हो सकेगा। तो अभी हमने यहाँ पे जस्ट हमने यहाँ पे एंट्री करी है, ये इसका एंट्री गेट है। कितनी एंट्री फीस है पर पर्सन? बच्चों की है? बच्चों की नहीं, 6 साल से ऊपर। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ले लो फिर, ले लो चार। तो अभी हम पहुंचे ही थे बैताब वैली के, बारिश शुरू हो गई, बारिश स्टार्ट हो गई और सारे जितने भी टूरिस्ट थे इधर उधर हो गए, कोई शेडो के नीचे चला गया, कोई कहीं पे चला गया। तो अभी बारिश कम हुई है तो हम बाहर निकले और एक्सप्लोर करते हैं हम बैताब वैली को। मेरे साथ है कमल। अभी थोड़ी सी स्नोफॉल भी हुई। हाँ थोड़ी सी स्नोफॉल हुई थी यहाँ पे। हाँ जी सर, बताइए बैताब वैली के बारे में बताइए। बैताब मूवी तो आपने देखी होगी, अमिताभ बच्चन की? नहीं, सनी देओल की। सनी देओल, अच्छा ठीक है। बहुत पुरानी पहले मूवी बनी है, उसकी पूरी शूटिंग यही हुई थी बैताब। अच्छा, यहाँ कश्मीर में जब कोई भी टूरिस्ट आता है तो पहले यहीं पे विजिट कर लेता है। ये जगह पहलगाम में सबसे खूबसूरत जगह है, नंबर वन पे आती है ये वाली जगह। ओके ओके। यहाँ पे जो भी मतलब शूटिंग जोन वगैरह जो भी रहता है ना, शूटिंग जोन के लिए सबसे बेस्ट प्लेस है। मैं चाहता हूँ कि आप आए, दोबारा विजिट करें बैताब वैली। बहुत अच्छी जगह है, बहुत फेमस प्लेस भी है ऑल ओवर वर्ल्ड। ठीक है, हमारे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मतलब बहुत फेमस है यहाँ बैताब वैली। ओके ओके। आपका क्या काम है यहाँ पे? हम सर टूरिस्ट को गाइड वगैरह। ओके ओके ठीक। टूरिस्ट क्या मतलब जो भी आते हैं हमारे बहन भाई रहते हैं। ओके ओके ओके। उनको इज्जत देते हैं, उनको रेस्पेक्ट देते हैं, बड़ी चीज वही होती है। ठीक है, ईमानदारी दिखाओ, प्यार मोहब्बत दिखाओ, है ना? ठीक है ठीक, सबसे ज्यादा मेन चीज वही है। ठीक है, मैं चाहता हूँ आप अगली बार आइए और विजिट कर लीजिए बैताब वैली। ठीक है ना सर? थैंक यू। बाकी कोई यहाँ पे एक्टिविटी होती है यहाँ पे? कोई नहीं, बाकी कोई एक्टिविटी नहीं होती। एक्टिविटी नहीं है यहाँ पे, टाइम स्पेंड करने के लिए ऐसे मतलब आउटिंग पिकनिक स्पॉट है। पिकनिक, हाँ जो भी पिकनिक वगैरह आप मतलब करना चाहते हो तो यहाँ आके। हाल ही में ये 1-2 साल पहले ज्यादा टूरिस्ट हुए होंगे मेरे हिसाब से तो। हाँ बस इससे पहले तो आपको पता ही है कि यहाँ पे कंडीशन वैसी नहीं थी, लॉकडाउन भी चल रहा था। हाँ वो तो है। जी जी, एक टूरिस्ट गाइड है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 8899-7485। ठीक है, ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, किसी भी टूरिस्ट को मतलब। योर नेम? जाहिद सर। ठीक जी सर, थैंक यू। काल की दी छिलम तो आज के ऊपर। चलो मंगवा लो पहले कुछ खाते हैं, भूख लगी है। तो गाइस अभी हम रेस्टोरेंट में बैठे हैं और ठंडी लग रही थी तो चाय ऑर्डर कर लिया, मैंने कॉफी ऑर्डर किया। तो मेरे हस्बैंड लेकर आ रहे हैं, तो समोसे है, ब्रेड पकौड़े है और कनल के लिए मैगी ऑर्डर की है। अभी देखते हैं कैसा टेस्ट आता है, कॉफी भी आई है अभी। ठीक है, अब सब ठीक है। तो गाइस ये सारी प्लेस, ये आपको जो व्यू देख रहे हैं ये है बैताब वैली का। अपने मूवीज़ में देखा होगा, जैसे कि बाहर भी बताया था भैया ने हमें कि यहाँ पे बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग होती है। वहाँ पे है देखिए पीछे पेड़ लगे हुए हैं, चील के, देवदार के भी ये पेड़ हैं और इसमें से देखिए बर्फ़ कैसी हमें दिखाई दे रही है।
और आपको क्लोज से मैं एक बार शूट करके दिखाता हूँ मैं। थोड़ी सी स्नो फॉलिंग हो रही थी यहाँ पे, स्नो फॉल हो रही थी और थोड़ी सी स्नोफॉल हो रही थी और बारिश लगी हुई थी, इस वजह से टूरिस्ट इधर उधर हो गए हैं। पहले तो भीड़ थी, ये वाला व्यू आपको और कहीं नहीं मिलेगा। दिस इज द बेताब वैली। सपोज करें यहाँ पे धूप हो, और क्योंकि हमें तो एक्चुअली इवनिंग हो चुकी है, 5 o'clock हो चुके हैं शाम के, सपोज कीजिए यहाँ पे धूप हो और उस ग्राउंड में बैठे हो तो क्या व्यू है। एक साइड पे रिवर बह रहा हो, एक साइड पे पहाड़ हो, ऊपर बर्फ़ हो, और देखिए कैसा 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 व्यू यहाँ पे है। बहुत ही बड़ी टूरिस्ट प्लेस है ये। गाइज बहुत सारी इंस्टाग्राम की रील्स पे आपने देखा होगा कि एक पानी के एक रिवर बह रहा है और कुछ लोग साथ में बैठे हुए हैं, वीडियोस बना रहे हैं और कोई चाय बना रहा है कोई कुछ। तो बहुत सारे लोग सोचते थे और बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन था कि ये कौन सी प्लेस है ये यहाँ पे ये आते हैं। तो गाइज मैं आपको बताता हूँ, ये है बेताब वैली। ये है पहलगाम से जब आप बेताब वैली आते हैं तो रास्ते में ये आपको रिवर मिलेगा और साथ में आप ऐसी ग्राउंडिंग मिलेगी, ऐसी ग्रास मिलेगी जहाँ पे आप बैठ सकते हैं। एक बार मैं बेताब वैली के सेंटर से आपको दिखा रहा हूँ मैं 360 व्यू यहाँ का पूरा। बहुत बढ़िया प्लेस है पहलगाम, और कवर कर रहे हैं हम बेताब वैली को। बाकी ये हमारी कश्मीर सीरीज़ आपको पता ही है चल रही है और बहुत सारी लोकेशन हम कवर करेंगे सीरीज़ में। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं वापस पहलगाम की तरफ और उसके बाद देखते हैं कि अगर मे बी पॉसिबल हो पाएगा तो श्रीनगर जाएंगे आज, नहीं तो कल मॉर्निंग में श्रीनगर निकलेंगे। हाँ जी यूट्यूब पे है आवारा कपल। हाँ जी अच्छा, तो आप वहीं पे थे कल? अच्छा अच्छा, तो टूरिस्ट तो बहुत आते होंगे वहाँ पे अभी।
उधर तो कह रहे हैं कि कल बर्फ स्पॉट सबसे अच्छे है जो बर्फ के लिए सबसे अभी अच्छा बहुत है। सोनमर्ग में बहुत बर्फ है, जाना मुश्किल है। अभी जाओ दो चार आठ दिन के अंदर, फिर बाद में धूप से बर्फ पिघल देंगे तो बर्फ कम हो जाती है, फिर वो मजा नहीं आता। गुलमर्ग, गुलमर्ग ही चला वहाँ 50 किलोमीटर पे गुलमर्ग, सोनमर्ग 90 किलोमीटर पे, दोनों बेस्ट स्टॉप है। गंडोला का जो पॉइंट है ना ऊपर, गंडोला पॉइंट है, हाईलाइट पे जाने का ऊपर बहुत अच्छा।